कहर बरपा रखा है। 24 घंटे के अंदर तकरीबन 5000 कोरोना केस सामने आए, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई है। आम हो या खास, सभी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता भी कोरोना की गिरफ्त में हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चिंता इन दिनों बढ़ गई है। दरअसल माही के माता पिता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बरियातू स्थित पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। धोनी आईपीएल टूर्नामेंट में व्यस्त है। फोन पर वो लगातार अपने माता पिता का हाल जान रहे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है, खासकर राजधानी रांची में लगातार संक्रमण के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरियातू स्थित पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर। यहां पर भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के पिता और माँ को भर्ती कराया गया है। दरअसल दोनों व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उसके बाद डॉक्टर की देखरेख में यहाँ पर उपचार चल रहा है उनका। झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 20 अप्रैल के आंकड़े डराने वाले हैं। झारखंड में 24 घंटे के अंदर 4,969 कोरोना केस सामने आए, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 33,178 हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 2,334 मरीज ठीक भी हुए हैं और एक दिन में 25,286 लोगों की कोरोना जांच की गई। झारखंड में राजधानी रांची सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित है। राज्य के कई जिलों में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 20 अप्रैल को रांची में 1703, पूर्वी सिंहभूम में 692, कोडरमा में 279, खूंटी में 203, बोकारो में 178, हजारीबाग में 177, धनबाद में 175, रामगढ़ में 169, गुमला में 149, जामताड़ा में 133, देवघर में 116 और साहिबगंज में 116 मामले सामने आए हैं। झारखंड में एक ही दिन में 45 लोगों की कोरोना से मौत होने पर दहशत का माहौल है। तीन जगहों पर सबसे ज्यादा मौत 20 अप्रैल को दर्ज की गई। रांची में 15, पूर्वी सिंहभूम में 10, जबकि धनबाद में 6 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रांची के कई अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में समाज से कई ऐसे लोग सामने आए हैं जो सरकार और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण का रफ्तार भले ही तेजी से बढ़ रहा हो, आंकड़े जितनी तेजी से बढ़ रही है, मौत की संख्या भी लगातार हो रही है और स्थिति भयावह होते जा रहा है। आप देखेंगे राजधानी रांची के ऐसे कई अस्पताल हैं जहां पर जिला प्रशासन के साथ कुछ ऐसे समाज सेवी हैं, जो टीम है, जो लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है और उस अस्पतालों तक पहुंचकर जो ऐसे लोग पहुंच रहे हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। आए दिन आप देख रहे होंगे कि इंजेक्शन के अभाव में या फिर बेड के अभाव में या फिर ऑक्सीजन के अभाव में सभी अस्पतालों में बेड फुल है। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो हर तरीके से जो जिला प्रशासन है उसकी मदद कर रही है। कोई चीज का प्रॉब्लम होता है या तो फिर भीड़ भाड़ होता है, उन लोग हम लोग साइड करते हैं और जो भी अगर पेशेंट आता है उन लोग हम लोग एडमिशन करते हैं और उसको अंदर भेजते हैं जहाँ की इलाज हो सके जल्दी से। उधर पाकुड़ में हालात फिलहाल काबू में है, जहां 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4 मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस की संख्या भी सिर्फ 107 है। इसकी वजह भी है पाकुड़ में कोरोना से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कंट्रोल रूम का गठन किया गया है जो 24 घंटे काम करता है। कोरोना ग्रसित जो भी मरीज है उनका यहाँ पर जो पॉजिटिव है उनका यहाँ पर लिस्ट है और टाइम टू टाइम उन्हें कॉल किया जाता है कि वो किस स्थिति में है और उनको अगर कोई समस्या है तो वो बताते भी हैं और हम लोग संबंधित पदाधिकारी चिकित्सक से हम लोग संपर्क करते हैं, उनका शॉर्ट आउट करते हैं। वहीं हजारीबाग में अलग ही तस्वीर दिखाई दी। यहाँ इचाक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग डॉक्टर के इंतजार में घंटों लाइन में लगे रहे। दरअसल कोरोना का कोई भी लक्षण मिलने पर लोग अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखा रहे हैं ताकि वक्त रहते इलाज हो सके।
हालांकि डॉक्टर की गैर मौजूदगी से लोगों की परेशानी बढ़ गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। झारखंड में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ऐसे में जरूरत है लोग पूरी सावधानी बरतें, कोविड नियमों की अनदेखी ना करें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पीएम मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित किया था, इस पर झारखंड में जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो चली है। तो हमको लगता है कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन आज बाहर निकल के आया। हाँ, ये सच्चाई है कि चूंकि सिलेंडर की कमी है, इसलिए ऑक्सीजन अकेले सेल पूरे स्टेट को कैटर कर सकती है ऑक्सीजन के लिए। वो बाहर जा रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि वे सेंट्रल गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस है। पूरे देश में सेल का ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, लेकिन हमारे यहां चूंकि सिलेंडर ही इतना कम कि वो समय पर नहीं पहुंच पा रहा ऑक्सीजन। प्रधानमंत्री जी ये नहीं बताए कि वैक्सीनेशन कितना हुआ है, कितना होना चाहिए और किन किन राज्यों में हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चला रहे हैं और कितना हमने वैक्सीनेशन भेजने का काम किया है, जो कोरोना के लिए महत्वपूर्ण दवाएं हैं उसको भेजने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ इस तरह की बातें कर रहे थे कि मानो जब हम बस में यात्रा करने के लिए चढ़ते हैं तो कंडक्टर जो है ये कहता है कि आप अपने जान माल की सुरक्षा खुद करें। प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सकारात्मक रूप से लेते हुए देश के नागरिकों को इस कोरोना संक्रमण से साथ मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। समूह के साथ मिलकर ही इस बीमारी पर विजय पाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो संदेश है व्यापक है, बड़ा है और उस सभी संदेश के पीछे जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं उसमें हम सबों को साथ देना है ताकि इस